तो अभी हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा देखेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, तो एक सेकेंड, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा देखेंगे और हम लोग देखेंगे यहाँ पे टेरिगो मैक्सिलरी फीसर देखेंगे। देन इसके बाद हम लोग गैंग्लिया देखेंगे, गैंग्लिया। तो यार ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी बड़ा हो सकता है, काफ़ी इन द सेंस आधे घंटे का भी हो सकता है, 40-45 मिनट का भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम इसमें हम लोग देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 20 मिनट का 25 मिनट का वीडियो हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा जो होता है, जो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा होता है उसमें क्या क्या मतलब कंटेन होते हैं। सबसे पहले जो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा है उसको हम लोग बोलते हैं कि यार किसको है ये हम लोग को देना है। तो मैंने जैसे अभी बताया था, मैंने जो जाइगोमेटिक आर्क है, जो टेम्पोरल बोन जाइगोमेटिक से बनता है, उसको हटा दे तो हम लोग को इंफ्रा टेम्पोरल फोसा दिख जाएगा। तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा हम लोग जो देखते हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं होता क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो दिस इज इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, ये होता है अपना इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। और यहाँ पे होता है टेरिगो मैक्सिलरी फीसर। टेरिगो मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ द स्फेनॉइड बोन है। तो टेरिगो मैक्सिलरी फीसर और क्या है, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। और ये क्या है टेरिगो पैलेटिन फोसा है, ये है टेरिगो पैलेटिन फोसा। तो ये अपने को ध्यान रखने का है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि इंफ्रा टेम्पोरल फोसा की जो बाउंड्री है कौन कौन बना रहा है, तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा की जो लेटरल बाउंड्री है वो बनाएगा रेमस ऑफ द मैंडिबल। मीडियल बाउंड्री इसकी कौन बनाएगा, मीडियल बाउंड्री इसका बनाएगा टेरिगोइड प्लेट। पोस्टीरियर कौन बनाएगा, पोस्टीरियर बाउंड्री इसका बनाता है अपना स्टेलॉइड प्रोसेस एंड मेस्टॉइड प्रोसेस। तो लेटरल बाउंड्री मीडियस बाउंड्री और एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा, मैक्सिला। ये हो गया एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा, मैक्सिला। तो इसको अगर मैं फिर से अगर दिखाऊँ, इसको डायग्राम बना के दिखाऊँ, तो सपोज़ ये अपना नॉक बना दिया, ये बना दिया मैंने, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंडिबल बना दिया मैंने, ये मैंडिबल बना दिया और ये बना दिया। तो ये क्या है पूरा, ये है सुप्रा टेम्पोरल फोसा, या फिर सॉरी इसको टेम्पोरल फोसा, और दिस इज इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो इसका इंटीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा, रेमस ऑफ द मैंडिबल, पोस्टीरियर स्टेलॉइड प्रोसेस, यहाँ कान के पास होता है स्टेलॉइड प्रोसेस। उसके बाद एंटीरियर मैक्सिला बनाएगा, और पोस्टीरियर कौन बनाएगा, स्टेलॉइड प्रोसेस, और मीडियल कौन बनाएगा, टेरिगोइड प्लेट। टेरिगोइड प्लेट किसका पार्ट होता है, स्फेनॉइड बोन का। ये हो गया, ये अपने को ध्यान रखने का। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कंटेंट ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो जो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा होता है, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा का जो कंटेंट होता है कौन कौन सा होता है ये, तो सबसे पहले इसमें मसल्स होती हैं। मसल में कौन कौन सी मसल होती है, टेरिगोइड मसल मतलब लेटरल टेरिगोइड मसल और मीडियल टेरिगोइड मसल, प्लस यहाँ पर होता है टेम्पोरलिस मसल्स। ये होती है, ये मसल्स हो गई। उसके बाद इसके नर्व हम लोग देखते हैं, नर्व कौन कौन सी होगी, नर्व तो नर्व होगी मैंडिबुलर नर्व होगी। उसके बाद यहाँ पर ओटिक गैंग्लियन ये भी हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। थिकिंग होता है डॉर्सल टिम्पैनिक नर्व। तो मीडियल तो मैंडिबुलर नर्व, ओटिक गैंग्लियन और डॉर्सल टिम्पैनिक नर्व, ये होती है। उसके बाद वेसल्स, इसका थर्ड कंटेंट क्या होता है, इसका वेसल्स। तो वेसल में क्या होता है, मैक्सिलरी आर्टरी होती है, और सेकेंड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। तो मैक्सिलरी आर्टरी हो गई, सेकेंड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, और क्या होता है, टेरिगोइड वेनस प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी आर्टरी, नर्व या फिर वेसल का गुच्छा, सिंस यहाँ पे वेन है तो टेरिगोइड वेनस प्लेक्सिस। ये हो गया, तो इसको एक समय देखें तो चलता है कि चल रहा है कि नहीं। हाँ, देन इसके बाद अभी हम लोग इसमें कंटेंट भी आते हैं, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि इसको सपोज मैं ऐसे करके इसको ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या हो गया। देखो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, देन टेरिगो मैक्सिलरी फीसर बना दिया। देन इसके बाद मैंने यहाँ क्या बना दिया, दिस इज़ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अब यहाँ पे मैं सब दिखाता हूँ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बना दिया ये, इसको अभी इसको मिलाना है, तो इसको अपन मिला भी देते हैं, इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या होती है, कैनाल्स होती है कुछ। तो ये अपना कौन सा है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है,
ये टेरिगो पैलेटिन फोसा है, ये है टेरिगो मैक्सिलरी फीसर और ये इंफ्रा टेम्पोरल फोसा है। तो इसका इंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर है और ये इसका भी बाउंड्री हम लोग बना देते हैं। इसका ये मीडियल है, ये लेटरल है, सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, या फिर इसको अपन इंटीरियर बोल सकते हैं, इसको पोस्टीरियर और ये मीडियल और ये लेटरल। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीन फोरामेन होते हैं, तीन फोरामेन होते हैं। यहाँ पे कितने फोरामेन होते हैं? तीन फोरामेन होते हैं। कौन कौन से फोरामेन? ये फोरामेन रोटेंडम होता है। ये कौन सा होता है? ये टेरिगॉइड कैनाल होता है और ये होता है पैलेटो वजाइनल कैनाल। तो इसमें वजाइना से रिलेट मत कर देना, ये पैलेटो वजाइनल कैनाल। तो फोरामेन रोटेंडम, टेरिगॉइड कैनाल और यहाँ पे होता है ये पैलेटो वजाइनल कैनाल। तो इसमें से क्या होती है, इसमें से कुछ आर्टरी और नर्व वगैरह निकलती हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। उसके बाद अभी मैं बताता हूँ कि ये जो है अपना ए अपना इसका कौन सा वाल हो गया। तो ए इसका अगर ये मीडियल हो गया तो ए इसका तो लेटरल वाल होगा, सॉरी ये लेटरल वाल हो जाएगा। और यहाँ पे एक फोरामेन होता है, एक फोरामेन यानी मैंने बताया नहीं, ये फोरामेन होता है। इसको हम लोग कौन सा फोरामेन है, इसे स्फेनोपैलेटिन फोरामेन। यहाँ से क्या होती है, यहाँ से नेजोपैलेटिन नर्व और वेसल्स पास करती है। तो ये हो गया। तो नेजोपैलेटिन नर्व और वेसल्स यहाँ से पास करेंगी। और एक फोरामेन मैंने अभी नहीं बताया, ये है ग्रेटर पैलेटिन फोरामेन। यहाँ से क्या फॉर्म करेगी, यहाँ से क्या पास करेगी, यहाँ से पास करती है ग्रेटर पैलेटिन नर्व एंड वेसल। तो बहुत ही सिंपल है, इसको मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ये फोरामेन रोटेंडम हो गया, ये क्या हो गया, ये टेरिगो पैलेटिन कैनाल हो गया, ये कौन सा हो गया, पैलेटो वजाइनल कैनाल। ये कौन सा हो गया, ये हो गया स्फेनोपैलेटिन फोरामेन। ये कौन सा हो गया, ग्रेटर पैलेटिन फोरामेन। अब फोरामेन रोटेंडम से कौन सी नर्व निकलती है, ये अपने को ध्यान रखना, मैक्सिलरी नर्व। कौन सी निकलती है? मैक्सिलरी नर्व निकलती है यहाँ से। और ये नर्व निकलेगी और यहाँ पे एक गैंग्लिया दे देगी आगे की तरफ, ऐसा एक गैंग्लिया दे देती है, ये अपने को ध्यान रखने का है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये जो मैक्सिलरी नर्व होती है, ये मैक्सिलरी नर्व हो गई। उसके बाद मैं आगे बताऊँ तो ये जो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हाँ ये गैंग्लिया दे दी। अभी हम लोग आगे देखेंगे गैंग्लिया होता क्या है। उसके बाद टेरिगो कैनाल से कौन सा नर्व निकलेगी, नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल, मतलब उसको हम लोग वीडियन नर्व भी बोलते हैं। और पैलेटो वजाइनल कैनाल से क्या निकलेगी, फेरेंजियल नर्व और वेसल निकलेगी। तो ये हो गया अपना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार मैं फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ। ये थोड़ा सा मतलब टिपिकल लगेगा, ये टॉपिक टिपिकल है, पर मतलब हम लोग इसको ट्राई करते हैं कोशिश करने। तो एक क्या हो गया, ये अपना ये इसका इंटीरियर और पोस्टीरियर भी क्या हो गया, ये हो गया अपना कौन सा फोसा, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। दिस इज़ दी टेरिगो मैक्सिलरी फीसर, दिस इज़ दी ये क्या हो गया अपना टेरिगो पैलेटिन फोसा। यहाँ पर इसके मैंने बताया पाँच फोरामेन होंगे, याद रखना। कितना फोरामेन होते हैं इसमें, तीन फोरामेन होते हैं। कौन कौन से, एक सेकंड देख लें तो, हाँ तीन फोरामेन होते हैं, दो फीसर होते हैं, तीन फोरामेन और दो फीसर। तीन फोरामेन में कौन कौन, फोरामेन रोटेंडम, टेरिगो पैलेटिन कैनाल और टेरिगॉइड कैनाल और वजाइनल कैनाल। तो यहाँ से निकलेगी फोरामेन रोटेंडम से कौन सा निकलेगी, मैक्सिलरी नर्व निकलेगी। टेरिगॉइड कैनाल से क्या निकलेगा, टेरिगॉइड प्लेक्सस और नर्व निकलेगी। और पैलेटो वजाइनल कैनाल से फेरिंजियल वेसल्स निकलेगी। ये हो गया अपना तीन फोरामेन हो गया। और उसके बाद दो फीसर, एक फीसर यहाँ पे हो गया, एक फीसर अपना ये हो गया, क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, पहले तीन फोरामेन हो गए पाँच फोरामेन है। तो एक फोरामेन हो गया, इस फोरामेन का हम लोग ने नाम स्फेनॉइड फोरामेन। यहाँ से नेजोपैलेटिन नर्व और वेसल निकलती हैं। और यहाँ से ग्रेट पैलेटिन फोरामेन से यहाँ से क्या निकलेगी, ग्रेटर पैलेटाइन नर्व एंड वेसल निकलेगी। ये हो गया। तो अपना ये पांच फोरामेन हो गया और दो फीसर। अभी हम लोग दो फीसर की बात देखते हैं, दो फीसर कौन कौन से होते हैं। तो ये हो गया अपना, तो दो फीसर हो गए और पांच फोरामेन हो गए। फीसर तो मैंने अभी इसको, एक तो फीसर मैंने बता दिया, एक फीसर कौन सा है, दिस फीसर। इसको हम लोग ने कौन सा नाम दिया है, इसको हम लोग ने नाम दिया है टेरिगो मैक्सिलरी फीसर। और एक फीसर यहाँ पर होता है,
एक फीसर यहाँ होता है जिसमें से एक आर्टरी आती है, तो इस फीसर को हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं इसको। और ए वाला फोरामेन तो मैंने बता दिया कौन सा फोरामेन है, स्फेनॉइड फोरामेन, यहाँ से नेजो पैलेटिन नर्व और वेसल निकलती है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो इसको टेंशन ना लेना, इसको अपन क्लियर कर देंगे पूरा अच्छे से, तो डोंट वरी। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा वीडियो एक्चुअली में बड़ा हो रहा है पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सॉन, गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लियन। तो गैंग्लिया क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, मतलब बहुत सारे एक्सॉन का मतलब ये अपना सेल बॉडी हो गया, यहाँ पे डेंड्राइड्स हो गए, ये अपना यहाँ पे सेल बॉडी हो गया, डेंड्राइड्स हो गए, इसका कलेक्शन, इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। पर किसमें, किसमें रहेगा तब, जब पीएनएस मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में रहेगा तब इसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया। और कलेक्शन ऑफ एक्सॉन मतलब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, सॉरी कलेक्शन ऑफ, पहले ए कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ के, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ के, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। और कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी अगर यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ये ध्यान रखने का है। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम वो क्या होता है, गैंग्लियन। और सीएनएस में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी क्या होता है, न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस। और यही एक्सॉन का कनेक्शन देखेंगे, तो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नर्व, इसको क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इसको नर्व बोलते हैं। अगर यही ब्रेन में होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, या फिर फेसिकुलस बोलते हैं। तो होप ये समझ गया होगा, आसान कंसेप्ट था। अब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, थोड़ा यार वीडियो बड़ी होगी पर अपन पूरा समझ के ही लेंगे इसको। तो यार हम लोग फिर से आगे देखते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया फिर से वही स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दिस इज टेरिगो मैक्सिलरी फीसर, दिस इज इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, और अपना ए वाला मैंने बना दिया टेरिगो पैलेटिन फोसा। अब यहाँ से मैंने ये बना दिया कैनाल, ग्रेटर पैलेटिन कैनाल बना दिया, ग्रेटर पैलेटिन कैनाल बना दिया। और यहाँ से मतलब मैंने बना दिया एक फीसर यहाँ से बना दिया, और ये क्या होता है अपना इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन होता है ये, ये कौन सा फोरामेन होता है, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन यहाँ पर होता है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, तो ये बहुत ही आसान है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो यार यहाँ से जाती है अपनी मैक्सिलरी आती है, मतलब यहाँ से मैक्सिलरी नर्व यहाँ पे जाती है। तब जब यहाँ से मैक्सिलरी नर्व, सपोज सबसे पहले मैं आपने मैक्सिलरी आर्टरी मैंने यहाँ से निकाल दिया, मैक्सिलरी आर्टरी निकाल दिया, तो एक फोरामेन एक, एक फोरामेन एक, एक फोरामेन ए, तीन फोरामेन होता है। अब ये मैक्सिलरी आर्टरी जो होती है ना, वो आगे जाके एक मैंने बताया था यहाँ पे एक फोरामेन होता है, स्फेनॉइड फोरामेन, तो यहाँ पे देती है, इसी की आर्टरी की ब्रांच है, मैक्सिलरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच होती है, नेजोपैलेटिन, इसका नाम है नेजोपैलेटिन वेसल्स, नेजोपैलेटिन वेसल ये दे देगी। और इस फीसर में से एक और दे देगी ऑर्बिटल आर्टरी, इंफीरियर ऑर्बिटल आर्टरी दे देगी। उसके बाद यहाँ से एक और एक आर्टरी दे देती है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी, इसको यहाँ से एक दे देती है फीसर ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी, और उसके बाद इधर से दे देती है ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी, और यहाँ से फेरेंजियल आर्टरी दे देती है। फेरेंजियल आर्टरी कहाँ पर जाती है, यहाँ से, इसको हम लोग बोलते हैं पैलेटो वजाइनल क्लान, यहाँ पे जाती है। तो ये सब ब्रांचेस हैं किसके, ये सब ब्रांचेस हैं अपने इसके मैक्सिलरी आर्टरी की, कौन कौन सी, एक यहाँ से दे दी, एक यहाँ से देगी इंफ्रा ऑर्बिटल, एक यहाँ से देगी नेजो पैलेटिन वेसल्स, एक ग्रेट पैलेटिन वेसल, एक ए वाला। तो ये अपने को भूलना नहीं है भाई, ये अपने को भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखने का है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं आगे, आगे हम लोग बात कर देते हैं, और अब इसी का नर्व देखते हैं, अब इसी का नर्व देखते हैं। तो ये भी बहुत चिंदी है, इसको भी बहुत ही चिंदी है ये। तो सपोज़ यहाँ से मैक्सिलरी नर्व गई, अब मैक्सिलरी नर्व कहाँ से आएगी, फोरामेन से आएगी, और यहाँ पे दे देगी ओटिक गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन दे देगी। अब ओटिक गैंग्लियन जो होता है, ओटिक गैंग्लियन जो होता है यहाँ से, ओटिक गैंग्लियन यहाँ से निकल के इस फोरामेन से निकल के एक वेसल देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी एक नर्व देगा नेसो पैलेटिन नर्व, और यहाँ से इस फीसर से निकल के इस तरह एक फोरामेन होगा जिसको इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, यहाँ से दे देगा इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व दे देगा, ये इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व देगा। तो अपना एक सबसे पहले मैक्सिलरी नर्व गया, यहाँ पे उसने गैंग्लियन दे दिया एक, अब गैंग्लियन दे दिया, और यहाँ पे
एक नर्व निकल गया, और उसके बाद एक यहाँ से मैंने बताया था एक नर्व निकल देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर पैलेटाइन नर्व। तो एक सब किसके पार्ट है, इसी के पार्ट है अपने, ये हो गया अपना, तो ये हो गया अपना। उसके बाद मैंने बताया था जैसे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो, और पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे, डोंट वरी, इसको हम लोग आगे की तरफ थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले कंटेंट ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा हम लोग फटफट देख लेते हैं कौन कौन सा होता है, वीडियो बड़ी हो रही है। तो कंटेंट ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा कौन कौन सा होता है हम लोग वो देख लें, कंटेंट ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो सबसे पहले लोअर पार्ट ऑफ टेम्पोरलिस, उसके बाद मीडियल टेरिगॉइड मसल, तो टेम्पोरलिस और मीडियल टेरिगॉइड मसल तो इसमें आएगा ही, उसके बाद लेटरल टेरिगॉइड मसल, उसके बाद मैंडिबुलर नर्व और ओटिक गैंग्लियन आएगा, और उसके बाद कोडा टिम्पनी और मैक्सिलरी आर्टरी और टेरिगो वेनस प्लेक्सिस। तो ये सब किसके कंटेन हो गए, कंटेन ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो कौन कौन से, टेम्पोरलिस मसल, मीडियल टेरिगॉइड मसल, लेटरल टेरिगॉइड मसल, ये सब मसल ऑफ फस्टिकेशन में है, और मैंडिबुलर नर्व, ओटिक गैंग्लियन, कोडा टिम्पनी जो कि ब्रांच होता है फेशियल नर्व का, और मैक्सिलरी आर्टरी प्लस वेनस प्लेक्सिस, ये हो गया, ये कंटेन ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल फोसा है।